हम अपराधी को एक तमाचा भी ना मारते हैं ना मारना चाहते हैं, लेकिन गोली अगर एक चलाएंगे तो गोली दस चले, ये बात मैं बार बार कहता हूं। बिहार के नए पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे इन दिनों मैन इन एक्शन है। इसी कड़ी में वो आरा पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी ऑफिस कार्यालय में सभी पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कई तरह के दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने पुलिस कार्यालय में ही एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि हमारे पुलिस के जवान और अधिकारी काफी काबिल है और उन पर सबको भरोसा है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में अपराधी भागते हुए नजर आएंगे और उनके पीछे पुलिस खदेड़ती हुई दिखाई देगी। डीजीपी ने अपने तेवर में कहा है कि अपराधियों की गोली का जवाब गोली से ही दिया जाएगा। उनके गलत करतूत के आगे पुलिस हनुमान चालीसा नहीं पड़ेगी, बल्कि अगर वो पुलिस पर गोली चलाएंगे तो उन पर भी गोली चलेगी। गोली के बदले गोली, गोली के बदले गोली का मतलब ये है कि कोई अपराधी है, कुख्यात तस्कर है, लुटेरा है, डकैत है, हत्यारा है, प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर है और वो कहीं फरार है, सरेंडर नहीं कर रहा है, पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने उसकी घेराबंदी की और घेराबंदी करने के बाद पुलिस ने अनाउंस किया तुम सरेंडर करो, तुम गिर गए हो और सरेंडर नहीं कर रहा है, पुलिस पर गोली चला रहा है। तो मैंने पुलिस को कहा कि वहां बैठ करके हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना, सरेंडर कराओ। मुठभेड़ थोड़े की जाती है, मुठभेड़ तो हो जाती है, हमारा काम अपराधी को पकड़ना है, गिरफ्तार करना है, जेल भेजना है, कानूनन उसको सजा दिलाना है। हम अपराधी को एक तमाचा भी ना मारते हैं ना मारना चाहते हैं, लेकिन गोली अगर एक चलाएंगे तो गोली दस चले, ये बात मैं बार बार कहता हूं। वहीं आम जनता से अपील करते हुए डीजीपी ने कहा कि अगर आपको किसी तरह का आपराधिक सूचना या ठोस साक्ष्य के साथ शिकायत करना हो तो आप सीधे बंद लिफाफे में पत्र के माध्यम से उन्हें भेजें, वो उस पर ठोस कार्रवाई करेंगे। वहीं बिहार में एनकाउंटर करने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि एनकाउंटर किया नहीं जाता, हो जाता है। यहाँ पर अच्छी पुलिसिंग करने के लिए आपका सहयोग चाहिए। आप मीडिया के साथी हैं, आपको तो अच्छी तरह से पता है कौन चोर है, कौन बदमाश है, कौन ऊंचा है, कौन लफंगा है, कौन बालू माफिया, कौन खनन माफिया, कौन शराब माफिया, आप सब लोगों को पता है। आप नहीं बोलते हैं और मैं नहीं चाहता कि पब्लिक में आप बोलें, लेकिन आप सब हमसे जुड़िए और हमको अकेले बताइए। आपका नाम नहीं हम बोलेंगे किसी को, आपकी गोपनीयता बरकरार रहेगी। आप केवल केवल मीडिया के 20 भाई हमारा सहयोग करें तो हमारा एसपी यहाँ भोजपुर में एक महीना में धूम मचा कर रख देगा, मैं गारंटी के साथ। अब अगर डीजीपी साहब के यही तेवर रहे तो उम्मीद है कि बिहार की कानून व्यवस्था में जरूर बदलाव होगा, लेकिन ये कब तक होगा ये देखने वाली बात है। आरा से सोनू सिंह, बिहार तक।